डायनासोर जो रेंगने वाले जीवों के वंशज थे लेकिन आकार में बहुत ही बड़े थे। डायनासोर ने पृथ्वी पर बहुत ही लंबे समय तक राज किया। करीब 11 करोड़ सालों तक धरती पर इन दैत्याकार छिपकलियों का राज था। परंतु उसके बाद क्या हुआ? आखिर यह सारे डायनासोर्स कहां विलुप्त हो गए? आखिर वह कौन सी घटना थी जिन्होंने इनका नामो निशान मिटा दिया? कैसे पृथ्वी पर डायनासोर का अंत और इंसानों का जन्म हुआ? आइए जानते हैं आज हम इस वीडियो में। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती का मौसम काफी सुहाना था। चारों तरफ पेड़ पौधे, सूरज की धूप, समुद्र से आती ठंडी ठंडी हवाएं और ये डायनासोर्स। लेकिन यहां डायनासोर के अलावा एक और भी प्रजाति था जो आकार में बहुत ही छोटा था और आज के चूहों जैसा दिखता था। असल में यही हमारे प्राचीन पूर्वज थे और आगे चलकर हम इनसे ही विकसित होने वाले थे। ये थे मामल्स यानी स्तनधारी जीव। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डायनासोर अंडे देते हैं लेकिन मामल्स अंडे नहीं देते हैं और हम इंसान भी एक मामल्स हैं। उस दिन ये मामल्स डायनासोर के डर से जमीन के अंदर बिलों में छुप कर रहते थे और इनकी यही खासियत इनके लिए वरदान बनने वाला था। जब यह सारे जीव धरती पर आराम से अपना जीवन बिता रहे थे तो उस वक्त एक 10 किलोमीटर व्यास वाला एस्टेरॉयड सीधे धरती की ओर बढ़ रहा था। धरती के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में घुसते ही इसका रफ्तार और भी तेज हो गया। प्रत्येक सेकंड के साथ साथ यह धरती के करीब और करीब बढ़ता जा रहा था। करीब 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह धरती की वायुमंडल में प्रवेश करता है। धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते ही घर्षण के कारण यह एक आग के गोले में बदल जाता है। इसकी चमक इतनी अधिक थी कि इसके 800 किलोमीटर दूर तक आने वाले सभी जानवर अंधे हो चुके थे। यह जीव इसे देख नहीं पा रहे थे लेकिन वह उसे महसूस कर सकते थे। यह एस्ट्रॉयड जमीन से टकराता है और एक बहुत ही भयंकर विस्फोट होता है। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही लाखों मेट्रिक टन धातु अंतरिक्ष में चला गया और विस्फोट वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। इस गड्ढे का सारा धातु आसमान में धूल का एक बड़े बादल का निर्माण किया। इतने बड़े टक्कर की वजह से भूकंप के तरंग धरती के क्रस्ट में कई किलोमीटर दूर तक चली गई। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी के लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। धरती के महाविनाश का प्रक्रिया का आरंभ हो चुका था। इस विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई थी कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर भस्म हो गए थे। धरती के अंदर बचा सारा जल इस गर्मी के कारण भाप में बदल गया। इन महाविनाश में उड़ने वाले जीव इन जमीनी खतरों से बच गए थे लेकिन यह तो बस महाप्रलय की शुरुआत थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों मेट्रिक टन धूल और पत्थर अंतरिक्ष में गए थे, ठीक 40 मिनट के बाद वह आग के गोले के रूप में धरती पर बरसने लगे। साथ ही एक धूल का बहुत बड़ा तूफान 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मौत लेकर आ रहा था। यह धूल के बादल कई किलोमीटर तक मोटे थे जिसके कारण धरती पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पा रही थी। कई सालों तक धरती पर सूरज की रोशनी पहुंची ही नहीं, पर इसके परिणाम स्वरूप धरती पर पेड़ पौधे की लगभग सारी आबादी खत्म हो गई। इस बादल ने धरती को चारों तरफ से ढक लिया था और विस्फोट के 90 मिनट के बाद धरती का तापमान 150 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। इसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से बहुत दूर थे वह भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। दोस्तों, इस महाप्रलय में धरती के कुल 75% आबादी पूरी तरह से साफ हो गई। लेकिन यह महाप्रलय किसी के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। डायनासोर का अंत एक नई प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर था और वे थे ममल्स। इन्होंने खुद को इस महाविनाश से बचा लिया था। अत्यंत गर्मी से बचने के लिए यह मैमल जमीन के अंदर रहने लगे थे और जिंदा रहने के लिए इन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया। इन डायनासोर का अवशेष आगे चलकर हमें भविष्य में मिलने वाला था जिससे आज हम इनके अस्तित्व का अंदाज लगा सकते हैं। महाप्रलय की कुछ लाखों साल बाद अब धरती डायनासोरों से पूरी तरह से मुक्त हो चुकी थी और धरती पर एक नई शुरुआत की प्रक्रिया चल रही थी। इस नई दुनिया में हमारे प्राचीन पूर्वज समय के साथ साथ विकसित हो रहे थे और वे आकार में पहले से काफी बड़े हो चुके थे। परंतु यह देखने में हमारी तरह बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे, किंतु
इन्हें आगे चलकर कई अन्य प्रजातियों में विकसित होना था। आज से करीब 4.7 करोड़ साल पहले अब धरती का वातावरण पूरी तरह से आज के समान हो चुका था। इस वक्त धरती का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और धरती का एक दिन करीब करीब 24 घंटों का हुआ करता था। इस वक्त धरती के सारे महाद्वीप लगभग पूरी तरह से जानी पहचानी थी। केवल एक नए भूभाग की रचना बाकी रह गई थी। धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स में एक बार फिर से हलचल हुई, जो धरती के दो बड़े बड़े द्वीपों को एक दूसरे के पास ले जा रही थी। और यह वही भूभाग है जहां आज हम सब रहते हैं। यह है इंडिया, जो एशिया महाद्वीप की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इन दोनों द्वीपों की आपस में टकराने की वजह से एक नए भूभाग का निर्माण हुआ, एक नई पर्वत श्रृंखला हिमालय, और यह है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। इस पर्वत श्रृंखला में गिरने वाला बर्फ आगे चलकर कई नदियों का निर्माण करने वाला था, जो भविष्य में दुनिया की लगभग आधी आबादी को पीने का पानी मुहैया करने वाली थी। लेकिन धरती पर अब भी कुछ कमी रह गई थी। धरती पर अभी कोई चीज लापता थी, वो थे हम मनुष्य। लेकिन परिस्थिति अब बदलने वाली थी। आज से करीब 40 लाख साल पहले अफ्रीका के पूर्वी इलाके में एक नए पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, जिसका नाम था ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ये पर्वत यहाँ आने वाले मानसूनी हवाओं के लिए एक अवरोध बन गई थी, और इस वजह से यहाँ के जंगलों में बारिश होनी बंद हो गई। पर इसी जंगलों में रहते थे एप्स, ये पेड़ के ऊपर रहते थे जहाँ उनको खाने की कोई कमी नहीं थी। इस वजह से ये हमेशा पेड़ों पर ही रहते थे। लेकिन अब यहाँ समय के साथ साथ सूखा पड़ने लगा। बारिश के बिना पूरा जंगल सूख गया और इन एप्स के लिए खाने की समस्या उत्पन्न हो गई। खाने की तलाश में इन्होंने पेड़ों से उतरने का निर्णय लिया। इनका दिमाग एक संतरे के जैसा बड़ा था और आकार में यह 4 फीट लंबे होते थे। कई हजार सालों के विकास क्रम के बाद हमारे पूर्वज अब 2 पैरों में चलने लगे। इससे ऊर्जा कम खर्च होती थी और यह चलते हुए भी खा सकते थे। अब इनका दिमाग भी तेजी से बढ़ रहा था, ये धीरे धीरे होशियार बन रहे थे। समय के साथ साथ विकास की प्रक्रिया चलती रही और हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित होते रहे और इनका दिमाग भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। समय के साथ साथ इन्होंने पत्थरों से हथियार बनाना सीख लिया। अब शिकार करना काफी आसान हो गया था। समय के बीतने के साथ साथ हमारे पूर्वजों ने आग को काबू करना सीख लिया। आग की खोज हमारे पूर्वजों के लिए सबसे बड़ी खोज थी, क्योंकि यह उन्हें गर्मी, रोशनी और अंधेरों में सुरक्षा देती थी। हमारे पूर्वज अब साथ साथ रहने लगे, इससे वह सुरक्षित रहते थे और इसी वजह से परिवार बनने लगे। आग में पका मांस को चबाने में कम ऊर्जा खर्च होती थी और इसी वजह से यह ऊर्जा अब इनके दिमाग में खर्च होने लगी। हमारे पूर्वजों का दिमाग अब काफी बड़ा हो चुका था। हमारे पूर्वज जो अन्य जीवों से ज्यादा होशियार थे और मिलजुल कर रहने वाले पहले जीव थे, इन्होंने अपने संदेश को दूसरों तक पहुंचाने के लिए अलग अलग आवाज निकालना शुरू किया। इससे हमारे पूर्वजों में भाषा का निर्माण किया, जिसके वजह से हम बातचीत कर सकते थे, और यह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। यही वह आखिरी विकास क्रम था जिसके बाद विकसित होकर हम इंसान बने। कई सालों के विकास क्रम के बाद हमारा अस्तित्व शुरू हुआ। हम होमो सेपियंस यानी कि बुद्धिमान जीव। हमारे पास धरती के सारे जानवर की तुलना में सबसे बड़ा दिमाग है। तो इस प्रकार हुआ पृथ्वी पर डायनासोर का अंत और इंसानों का जन्म। वीडियो अच्छा लगा